हम नरकटिया गंज के बदनियार गांव में हैं और ये जो यहाँ पे किसान हैं और पेशे से इंजीनियर भी हैं और इन्होंने एक प्रदूषण रहित गाड़ी भी बनाया है और वहाँ पहले यहाँ पे पूरा का पूरा बायोगैस से तैयार होता है। और सबसे बड़ी बात है कि आम दिनों हम जब जानते हैं कि गाड़ियों में शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है, कुछ भी होता है, ऐसे में ये मामूली पाइप, अगर इस पाइप को आप निकाल दें और हल्की सी फूंक मार दें तो ये आग पर काबू पाया जा सकता है। हमारे साथ वो भी मौजूद है, गाड़ियों के बारे में बताएंगे और जानेंगे कि ये गाड़ी इनके मन में आया कैसे बनाने के लिए और ये किस टेक्नोलॉजी से ये गाड़ी बनाने की कोशिश करें। पहले मैं जब ग्रेजुएशन फाइनल किया उसके बाद IIT दिल्ली 2011 में हम लोगों ने CVG पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया। उसके बाद हमने वहाँ पे देखा कि इसकी ऑलरेडी विश्व भर में मार्केटिंग खूब होती है और इसको जितना बढ़ चढ़ के पैसा इस पे खर्च किया जाता है उतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो प्लांट अभी दिल्ली या हमारे अदर कंट्रियों में लगी हुई है बहुत एक्सपेंसिव है और आम जो किसान है उनसे बाहर है। हमने इसके जो प्रोडक्शन ऑफ प्लांट है, जो प्लांट का प्रोडक्शन का पूरा खर्च है, उसको हम कम करने के लिए पिछले 6-7 सालों से लगे रहे। इसमें क्या है कि इसका सबसे पहला जो जमीनी स्तर की बात है कि हम कैसे गैस को प्यूरिफाई करें, जो हमने बहुत ही आसान तरीके से इसका ढूंढ निकाला कि कैसे प्यूरिफाई करें। प्यूरिफाई करने के बाद इसका सबसे जरूरी चीज है कि कैसे हम 200 बार जो CNG दिल्ली में भरी जाती है, तो हम इसको टेक्निकल CBG भी कह सकते हैं, मतलब कंप्रेस बायोगैस भी कह सकते हैं, तो कैसे हम सीधे CH4 को यानी मीथेन को कैसे सेपरेट करके हम सिलेंडर में भर सकते हैं। तो इसका भी बहुत ही आसान हम लोगों ने टेक्निकल स्पेसिफिकेशन निकाल रखा है, जो 200-220 बार तक हम अपने एक सिलेंडर में इसको भर सकते हैं। गाड़ी के बारे में थोड़ा सा आप हमको समझाइए, यहाँ पे आपने जो ये क्या है, ये टोटल क्या है? ये सिलेंडर है, ये जो हम लोग सिलेंडर है, ये बेसिकली तो हम एक सिलेंडर लगाते हैं, लेकिन मेरे पास जब ज्यादा दूरी जाते हैं तो ज्यादा दूरी जाने के क्रम में होता क्या है कि सिलेंडर गैस तो सिर्फ मेरे ही पास है और मार्केट में ये CBG तो है नहीं, तो हम जहाँ भी जाते हैं 200-300 किलोमीटर के लिए हम लोग जो भी अपना फॉरेस्ट एरिया है उसको घूमने के लिए या अपना कोई दिनचर्या है, जो काम है दूर दराज शहरों में उसको काम करने के लिए दो सिलेंडर रखे हुए हैं, एक रिजर्व में रखते हैं, एक हम लोग ऑपरेट करते रहते हैं। एक किलो गैस में हमारा 25 किलोमीटर चल रहा है अभी का एवरेज है। जी बिल्कुल जी जी। ये जैसे एक गैस का जो यहाँ से कैसे गैस आप तैयार करते हैं? यहाँ पे तो टोटली जो हम लोग जैसे प्योर जो CNG होती है, CH4 होती है, तो हम लोग प्योर जिसमें कार्बन लेस और हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पे हम लाते हैं, फिर से हम लोग फर्स्ट सेपरेटर वाटर सेपरेटर रखा है पानी के लिए, फिर हम लोगों ने सेकंड कार्बन सेपरेटर रखा हुआ है, ठीक है, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड सेपरेटर रखा हुआ है, ठीक है, लास्ट में हम लोगों ने हल्का एक और तीनों का मिक्सचर करके हम लोग फिर आगे ये गैस को इस मशीन में लेते हैं, ठीक है, जो ये 345 बार आपको कंप्रेस कर सकता है CBG को, यानी गैस को, किसी भी एयर हो, गैस हो, किसी को भी, ये मशीन आपको 345 बार तक कंप्रेस कर सकता है, यानी करीब करीब लगभग 3,000 से 4,000 PSI तक। उसके बाद हम लोग ये आप टैंक देखेंगे, ये हम लोग स्टोरेज टैंक में इसको यूज करते हैं और इसके नीचे में हम लोगों ने पानी दे रखा है कि जब तक ये जब कंप्रेस होता है तो हीट होता है, हीट होने के बाद हम लोग करते क्या है कि इसको ठंडा रखने के लिए नीचे पानी दे रखे हैं। पानी देने से होता क्या है कि ये थोड़ा कंप्रेसर पे लोड कम आता है, जिससे हम लोग इसको टैंक को भर कर रखते हैं। अभी की इसकी जानकारी दी गई कि ये जो गाड़ी है पूरा बायोगैस से बना हुआ है और इसमें जो जो यहाँ से जो भी एयर निकलता है वो प्रदूषण रहित होता है और शुद्ध होता है। तो ये एक नए टेक्नोलॉजी से एक किसान के बेटे ने और एक इंजीनियर ने ऐसा कुछ तैयार कर रखा है जो चंपारण के लिए गौरव की बात है और यहाँ पे लोग प्रशिक्षण भी ले सकते हैं और इसे जान सकते हैं और किसानों को सबसे ज्यादा फायदा है क्योंकि वो किसी कृषि के लिए उनको डीजल और बहुत सारे चीज लगते हैं, ऐसे में ये पॉल्यूशन रहित और
सस्ते दामों पे वो अपना किसान अपना खेती को भी फायदा पहुंचा सकते हैं। जितेंद्र कुमार गुप्ता, ईटीवी भारत, बेतिया।